मुख्तार के बेटे ने कर दी ऐसी गलती, योगी ने आधी रात अधिकारियों को लगा दिया फोन। जेल में बीवी को बुलाया, जेलर के कमरे में वक्त बिताया, फिर पुलिस वालों को भी धमकाया। तभी पहुंची लेडी सिंघम आईपीएस, पत्नी के साथ रंगे हाथ पकड़ा, कमरे में चल रहा था एक खेल। हाय रे वक्त, जिस माफिया को देख लोग भागते हैं, आज बेचारा खुद जेल से भागने के लिए सुराग की तलाश में था। योगी की सरकार में एक ऐसा कांड होने वाला था जिसके बाद यूपी में भूचाल आ जाता। भगाने वाले ही योगी से सवाल पूछते, पर प्लानिंग में एक कमी रह गई। मुख्तार का बेटा जेल से नहीं, देश छोड़कर भागने वाला था। दबंग लेडी आईपीएस ने ऐसा दिमाग लगाया कि पूरी प्लानिंग फेल हो गई। जेल में ऐसा क्या हो रहा था कि एसपी वृंदा शुक्ला के भी होश उड़ गए। परत दर परत सुनिए कैसे साजिश रची गई, फिर आपको एसपी का एक्शन दिखाते हैं। मुख्तार का बेटा चित्रकूट की जेल में कई महीने से बंद है, यहाँ तक कि योगी सरकार का एक अफसर भी पूरे खेल में शामिल था। जेलर से लेकर डिप्टी जेलर तक मिले थे। जेल के कई पुलिस वाले मुख्तार की बेटी को भगाना चाहते थे, पर एक ईमानदार पुलिसकर्मी ने सबकी पोल खोल दी। चर्चा यहाँ तक है कि जेल में मुख्तार की बेटी से कुछ विदेशी लोग भी मिले थे, विदेशी मुद्रा भी मिली है। वो दुबई या फिर किसी और देश की शरण में जाने की प्लानिंग कर रहा था। अब्बास खुद जेल का बॉस बन गया था, वो बैरक में नहीं बल्कि जेलर के कमरे में सोता। उसकी पत्नी भी आती और वहीं रहती। ये खबर योगी राज में पेट्रोल में बारूद डालने जैसा है। एक ईमानदार पुलिसकर्मी ने एसपी वृंदा शुक्ला तक ये बात पहुंचाई कि जेल में क्या खेल चल रहा है। प्लानिंग तैयार हुई। एसपी वृंदा शुक्ला ने डीएम अभिषेक आनंद के साथ मिलकर जेल में छापा मार दिया। उसके बाद जो हुआ वो और दिलचस्प है। जेल में अफरा तफरी मच गई। मुख्तार जेलर के कमरे से बैरक की तरफ भागा, लेकिन छापे में आईपीएस वृंदा शुक्ला सीधे जेलर के कमरे में पहुंच गई। वहां जो खेल चल रहा था वो खुद दबंग आईपीएस लेडी से सुनिए। अब योगी ने कैसे एक्शन लिया ये सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। 10 फरवरी की दोपहर जेल में छापा मारा। छापे के बाद ये बात बाबा तक पहुंची। योगी आदित्यनाथ तमतमा गए, तुरंत अधिकारियों को फोन लगाया और ऐसी प्लानिंग बनाई कि अब बाथरूम जाने से पहले अब्बास अंसारी को जेलर से परमिशन लेनी होगी। यूपी पुलिस के दबंग जेलर राजीव कुमार सिंह को चित्रकूट का नया जेलर बनाया गया है। लखनऊ की डिप्टी जेलर देवदर्शन सिंह को भी भेजा है। सीधा आदेश है कि अब अब्बास अंसारी कोई कहानी रचे तो ठीक करना। मुख्तार के बेटे की दामाद की तरह सेवा करने वाले चित्रकूट जेल के जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर पीयूष पांडे के अलावा 8 पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही चित्रकूट जेल से अब्बास को हटाने के बजाय योगी सरकार ने जेल को ही किला बना डाला। मुख्तार के बेटे की जिंदगी जेल में बीतने वाली है, क्योंकि विदेशी मुद्रा के साथ रंगे हाथ जो पकड़ा जाता है वो जल्दी बाहर नहीं आता। पिता पहले से ही जेल में था, बेटा भी जेल में था। ज्यादा प्यार और पति से जेलर के कमरे में इश्क लड़ाने के चक्कर में पत्नी भी गिरफ्तार हो गई। अब बाहर कौन है, विदेश कौन भागेगा या यूपी में किसका एनकाउंटर हो जाएगा, ये बाबा की महिमा भगवान ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।